नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में और मैं हूँ आपके साथ सुनीता शर्मा। तो आज हम आपको गोरखपुर के कांड के बारे में बताएंगे, जहाँ पर मुर्तजा पर इस समय आए दिन नए नए खुलासे देखने को मिलते हैं। जी हाँ, इस समय उनके ही यानी मुर्तजा के दोस्तों ने उसका बड़ा खुलासा किया है। खुलासा यह है कि मुर्तजा जब किसी आतंकी के मारे जाने की खबर सुनता और जब उनके साथ ही उसका खुशी जाहिर करते हुए यानी जश्न मनाते, तब मुर्तजा उन पर गुस्सा होता, नाराज होता। यह ऐसा दावा करता है कि क्या मुर्तजा आतंकी संगठन से जुड़ा हो सकता है। पर लेकिन यह तो हम आपको पहले बाद में बताएंगे, पर इससे पहले आपको मुर्तजा की जो बड़े खुलासे की खबर सामने आई है वो आपको दिखाते हैं। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात सिपाहियों पर जानलेवा हमला करने का आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी जिहाद की नर्सरी तैयार कर रहा था। पुलिस की गिरफ्तारी में आने से पहले तक मुर्तजा ने कई बैंक खातों में रुपए भेजकर फंडिंग मुहैया कराई थी। यह तथ्य सामने आने के बाद एजेंसियों ने जांच तेज कर दी और यह भी पता चला है कि मुर्तजा ने डॉलर से विदेशी सिम खरीदा था, जिसका इस्तेमाल वह प्रतिबंधित वेबसाइट को सर्च करने में किया करता था। उधर मंगलवार रात में ही कोर्ट से वारंट बी और रिमांड हासिल कर एटीएस की टीम मुर्तजा को लेकर लखनऊ चली गई। लखनऊ में ही पूछताछ चल रही है। जानकारी के मुताबिक मुर्तजा के पकड़े जाने के बाद से ही एटीएस, एसटीएफ और पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रतिदिन इसके बारे में चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। एटीएस और एसटीएफ के सूत्रों के मुताबिक जांच में पता चला कि डॉलर का इस्तेमाल कर मुर्तजा ने विदेशी सिम खरीदा था। इसकी मदद से ही वह प्रतिबंधित वेबसाइट पर सर्च कर जिहादी वीडियो देखा करता था। मुर्तजा के पास से नेपाली करेंसी के साथ डॉलर भी मिला है। यह भी सामने आया है कि कई खातों में वह रुपए भेजा करता था। गोरखपुर कांड में नया खुलासा, फंडिंग कर जिहाद की नर्सरी तैयार कर रहा था मुर्तजा। एसटीएफ को मिले चौंकाने वाले सबूत, इसकी मदद से ही वह प्रतिबंधित वेबसाइट पर सर्च करा जिहादी वीडियो देखा करता। मुर्तजा के पास से नेपाली करेंसी के साथ डॉलर भी मिला है। यह भी सामने आया कि कई खातों में वह रुपया भेजा करता था और नौकरी के दौरान जो भी पैसे जुटाए उसे जिहाद की नर्सरी तैयार करने में खर्च कर दिया था। नेपाल के बैंक खातों के जरिए करीब 8 लाख रुपए सीरिया के अलग अलग बैंक खातों में भेजे गए हैं। नेपाल के अलावा विदेशों में उसके खाते संचालित होने की खबर पर जांच तेज कर दी गई। करने वाली बातें बता चली हैं कि जांच एजेंसी को पता चला है कि आतंकी के मरने पर खुशी मनाने पर मुर्तजा अपने दोस्तों से नाराज हो जाता था। ऐसी हरकत उसने साल 2014 के बाद से शुरू कर दी। मुर्तजा के साथ काम करने वालों ने जांच एजेंसियों को गोपनीय जानकारी दी। जानकारी के मुताबिक साथियों से बातचीत के बाद पता चला कि अगर कोई आतंकी पकड़ा या मारा जाता तो उसके सहपाठी खुशी जाहिर करते, तब उसको बहुत गुस्सा आता था। कई बार तो सहपाठियों को मारने के बारे में सोचता था। एटीएस को पता चला कि मुंबई में मुर्तजा का आवास ताजा हाइट्स प्लांट नंबर 69 नवी मुंबई में है। उसका जन्म 5 जनवरी 1992 को गोरखपुर में अब्बासी नर्सिंग होम में हुआ था। बेहद शार्प माइंड का मुर्तजा साइंटिस्ट बनने के लिए पढ़ाई तो की केमिकल इंजीनियर की, लेकिन कट्टरपंथी विचारों की वजह से आतंकवाद की ओर बढ़ गया। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार।